नमस्कार दोस्तों, जीएसटी लॉ में यदि आप एज एन एसएससी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपका पैन नंबर एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जिस पर बेस्ड होकर के जीएसटी नंबर अलॉट किया जाता है। अब एक रीसेंट केस जो मेरे सामने आया दोस्तों, जो कि बहुत खतरनाक स्थिति दर्शाता है कि मेरे ही किन्हीं नोन के रिलेटिव के नाम पर किसी व्यक्ति ने ऑलरेडी उनके पैन का प्रयोग करके एक जीएसटी नंबर लिया और जीएसटी के बिल्स भी हो सकता है काट दिए। अब ये जो जीएसटी बिल्स दोस्तों काटे, उसके बेसिस पर उन सज्जन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस भेजा कि आपने इतना करोड़ों रुपए का जीएसटी का ट्रांजेक्शन किया, सेल परचेस के ट्रांजेक्शन किए, आपने आईटीआर तो भरी नहीं। तो उन व्यक्ति के कान खड़के कि अरे ये क्या हुआ, मेरे पैन का किसी व्यक्ति ने प्रयोग करके और जीएसटी पर काम कर लिया। इससे मेरे दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई कि क्यों ना मैं करदाताओं को यानी एसएससीज एट लार्ज को सजग करूं कि वो ये पता चला पाए कि कहीं उनके पैन का भी प्रयोग जीएसटी पर्पजेस से किसी प्रकार के फर्जीवाड़े के लिए तो नहीं किया गया। और दोस्तों, ये संभावना उस जगह बहुत ज्यादा रहती है जहां पर आप अपने पैन का रेगुलर उपयोग नहीं करते, यानी आपका पैन लगभग इनएक्टिव है, से रिटर्न्स नहीं भरी जा रही, या जो भी आपका सीनियर सिटीजन के केसेस हैं वहां पर हम ज्यादातर रिटर्न्स नहीं भर रहे पर पैन नंबर ले रखा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ ये बात डिस्कस करने वाला हूं कि आप कैसे पता चलाएं कि आपके और आपके परिवारजनों के पैन का कहीं जीएसटी पर्पजेस से कोई प्रयोग तो नहीं कर लिया गया है, और यदि किया गया है तो उसकी कैसे रोकथाम की जा सकती है। तो दोस्तों, यदि हमें ये पता करना हो कि हमारे स्वयं के या हमारे किसी फैमिली मेंबर के पैन का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हुआ जीएसटी पर्पजेस से, तो हमें सबसे पहले ब्राउजर पर या गूगल पर जाकर के www.gst.gov.in इस पर क्लिक करना है। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे को कुछ ऑप्शन मिलेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ऑफिशियल साइट जो भारत सरकार का है वो खुलेगा, और इसमें होम सर्विसेज, जीएसटी लॉ, डाउनलोड सर टैक्स पेयर, ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपको सर टैक्स पेयर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप सर टैक्स पेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको चार नए ऑप्शन मिलेंगे, सर्च बाय GSTIN, सर्च बाय पैन, सर्च बाय टेम्परेरी आईडी एंड सर्च कंपोजिशन टैक्सपेयर। मेरा सजेशन है आप सर्च बाय पैन पर क्लिक करेंगे तो आपको अगली एक विंडो दिखेगी। अब इस विंडो में दोस्तों, जब आप सर्च बाय पैन करेंगे तो आपको सर्च टैक्सपेयर परमानेंट अकाउंट नंबर इंसर्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप अपना या अपने फैमिली मेंबर का यहां पर पैन नंबर इंसर्ट करके सर्च के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो मान लीजिए मैंने यहां पर अपना पैन नंबर डाला और जो कैप्चा कोड दिया है वो डाला, फिर मैंने सर्च के बटन पर क्लिक किया। अब देखिए रिजल्ट नीचे लिखा हुआ आएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर मैंने दिया था, कैप्चा कोड डाला, मैंने सर्च पर क्लिक किया, सर्च रिजल्ट बेस्ड ऑन दिस एंड दिस पैन, नो रिकॉर्ड फाउंड। यदि नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा आता है, इसका मतलब मेरे पैन नंबर का प्रयोग जीएसटी के पर्पजेस से अभी तक नहीं हुआ, तो आई एम इन सेफ पोजिशन। अगर मान लो किसी को यहां पर कुछ लिखा मिले, यानी आपने एक पैन डाला और यहां पर नो रिकॉर्ड फाउंड की जगह आपको एक अगली विंडो जो मैं दिखाने वाला हूं वो भी मिल सकती है। सपोज हमने जो पैन इंसर्ट किया उस पर किसी ने ऑलरेडी जीएसटी नंबर ले रखा है, ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जीएसटी नंबर यहां पर किसी ने गलत तरीके से फ्रॉडुलेंट मैनर में लिया है, क्योंकि अगर मैंने लिया है जीएसटी नंबर तो मुझे पता ही होगा, लेकिन अगर किसी और ने लिया है और इस तरह से इंफॉर्मेशन दिखे कि सर्च रिजल्ट बेस्ड ऑन योर पैन सो एंड सो, ये आपको एक GSTIN नंबर यहां पर मिले और आपको स्टेटस एक्टिव या इनएक्टिव मिले, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ साहब, यहां पर तो कुछ ना कुछ पैन का गलत प्रयोग जीएसटी पर्पजेस से हुआ है। तो ये एक चेक करने का बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है कि आप ऑनलाइन चेक कर पाए कि कहीं आपके या आपके फैमिली मेंबर, आपके किसी नोन के पैन का जीएसटी पर्पजेस से तो दुरुपयोग नहीं हो रहा। अब दोस्तों, रादर देन गोइंग टू जीएसटी पोर्टल, यदि आप अपने इनकम टैक्स लॉगिन से ही फॉर्म 26AS डाउनलोड करें तो आपको 26AS डाउनलोड करने पर एक 26AS में पार्ट एच डिटेल ऑफ टर्नओवर एज पर GSTR 3BB देखने को मिल सकता है। यदि यहां पर एक GSTIN नंबर
और आपको इस प्रकार की रिटर्न से रिलेटेड डिटेल मिले तो आप समझ सकते हैं कि ओके मेरे पैन पर किसी व्यक्ति ने जीएसटी के ट्रांजेक्शन हो सकता है कर रखे हों। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप पता चला सकते हैं कि कहीं आपके पैन का प्रयोग जीएसटी पर्पजेस तो नहीं किया गया। हालांकि मैं ज्यादा ऑथेंटिक तरीका दोस्तों जीएसटी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू जो पता करने का मैंने रास्ता बोला वो मेरी ओपिनियन में ज्यादा पक्का तरीका है। एट द एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपके अथवा आपके किसी नोन का पैन का प्रयोग जीएसटी हेतु किया गया और अब यह आपकी नॉलेज में आता है तो आपको करना क्या चाहिए? मेरा सजेशन है कि आप एक एफआईआर लॉन्च कराएं संबंधित पुलिस थाने में जो भी आपका निकटतम हो कि हाँ साहब मेरे जीएसटी का दुरुपयोग किया, मेरे पैन का दुरुपयोग किया गया है, किसी व्यक्ति ने मेरे पैन पर जीएसटी लिया है। और इसकी सूचना आप एफआईआर सहित जीएसटी विभाग को भी दे सकते हैं ताकि वो अपने स्तर पर इंक्वायरी करें। तो ये एक तरीका प्रोबेबली सॉल्यूशन हो सकता है जो मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहता था। तो मुझे लगता है दोस्तों ये अवेयरनेस जनता जनार्दन में बहुत जरूरी है कि वे जाने कि कहीं उनके पैन का जीएसटी पर्पजेस से कहीं फर्जीवाड़ा करके फ्रॉडुलेंट तरीके से प्रयोग तो नहीं किया गया, और यदि है तो क्या करेक्टिव एक्शन हमें इमिजिएटली लेना है, वो भी मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके सामने रखा। सो आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू वेरी मच। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।